हेलो दोस्तों, आपका हमारे अनुराग लैब 3M यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में RHEL 9 ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहें। चलते हैं गाइस VMware पे और इसको हम लोग पावर ऑन करेंगे। जब तो यहाँ पे एस्केप की प्रेस कर देंगे। एस्केप से बूट करने के बाद में क्विक बूट ऑप्शन आएंगे और वहाँ से हम CD चूज करके CD से बूट करा देंगे। CD से बूट हो जाएगा जब तो आपका लिनक्स बूट कर जाएगा और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी इस टाइप से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अभी गाइस, आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि डुअल बोर्ड पे जब हम लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं तो आपको किसी किसी वर्जन में ग्रब में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो मैं आपको जो प्रोसेस बता रहा हूँ उससे वो नहीं करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे और हम यहाँ पे इंग्लिश चूज कर लेंगे। इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज ले ली है। और इसके बाद में गाइस यहाँ पे इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन पे जाएंगे हम लोग। और यहाँ पे गाइस जाने के बाद में हमें कस्टम पे चेक कर देना है, जो ऑटोमेटिक के बगल में कस्टम आ रहा है, इस कस्टम पे हमको जाना है। और कस्टम पे जाके इस हार्ड ड्राइव को सेलेक्ट कर लेना है और डन पे क्लिक कर देना है। इस टाइप से यहाँ पे गाइस जो LVM आ रहा है उसको उसी पे रखेंगे और डायरेक्ट जो है प्लस पे क्लिक करेंगे। आप देखिएगा यहाँ पे LVM ही रखेंगे और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। और गाइस हम लोग जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग स्लैश बूट का पार्टीशन बनाने जा रहे हैं। तो स्लैश बूट इसमें चूज कर लेंगे और दोस्तों यहाँ पे साइज भरेंगे। तो 1GB में भरूंगा, तो 1000MB भरूंगा। यहाँ पे मैं ये MB में भरता है हमेशा। एड माउंट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो स्लैश बूट का पार्टीशन बन जाएगा हमारा इस टाइप से। इसके बाद में हमको गाइस एक स्वैप का पार्टीशन बनाना है। प्लस पे क्लिक किया है और यहाँ पे एरो पे क्लिक करके स्वैप चूज कर लेंगे और यहाँ पे रैम का डबल साइज देंगे। तो मैंने VMware पे अभी इस टाइम पे जो है वो 2GB दी हुई है, 2GB रैम असाइन करी है। तो हम स्वैप को 4000MB का साइज यहाँ पे देंगे, जिससे कि स्वैप का साइज हमारा 4000MB का स्वैप का पार्टीशन बन जाएगा। ये देखिए, इसके बाद में हम गाइस स्लैश का पार्टीशन बनाने वाले हैं। स्लैश ही हमारा मेन फाइल सिस्टम का पार्टीशन है, जिसके अंदर सभी टाइप के फाइल सिस्टम रहते हैं। तो गाइस ऊपर स्लैश देंगे और यहाँ पे डिजायर्ड कैपेसिटी में गाइस हम लोग 20,000 डाल रहे हैं। तो 20GB का स्लैश का पार्टीशन बन जाएगा। 20,000 यहाँ भर देंगे, 26,000 भर रहे हैं गाइस यहाँ पे। तो मैं 26,000 का भर रहा हूँ तो 26GB का बनेगा। आप चाहो तो यहाँ 20 का भी बनाएंगे तो भी काम हो जाएगा। तीन पार्टीशन बनाने के बाद में गाइस हमें क्या करना है, डन पे क्लिक कर देना है और जो पार्टीशनिंग स्कीम हमने बनाई है इसको यहाँ पे एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में गाइस हमें क्या करना है कि डंप में जाना है, इनेबल होना चाहिए। तो अगर कोई कंप्यूटर क्रैश होगा तो ये डंप बनाएगा। रूट पासवर्ड यहाँ से सेट करना पड़ेगा। तो रूट पासवर्ड में जाते हैं और यहाँ पे स्ट्रांग पासवर्ड सेट करते हैं, जो कि रूट का पासवर्ड होगा। गाइज लिनक्स में रूट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर की तरीके काम करता है। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रांग पासवर्ड देंगे जिससे कि हमारा सर्वर सिक्योर रहे। इस टाइप से पासवर्ड देने के बाद में गाइज हम डन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप डन पे क्लिक करेंगे आप गाइज अगली स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। और गाइज यहाँ पे हम लोग यूजर क्रिएशन स्क्रीन में जाएंगे और गाइज यहाँ पे फर्स्ट यूजर अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे एडमिन अकाउंट बना देंगे, जो कि फर्स्ट हमारा यूजर है जो कि कंप्यूटर को यूज करेगा। और गाइज इसका पासवर्ड यहाँ पे हम सेट कर देंगे इस टाइप से, रीटाइप कर देंगे पासवर्ड को और एडवांस में जाते हैं और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। डन पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये फर्स्ट यूजर अकाउंट भी बन जाएगा। इसके बाद में मेक दिस यूजर एडमिनिस्ट्रेटर पे भी चेक कर देंगे तो एडमिन जो है एज एडमिनिस्ट्रेटर के तरीके काम करेगा, मींस रूट का मेंबर रहेगा। और गाइज इसके बाद में बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। आपके सामने रेड हैट का 9 वर्जन इंस्टॉल हो रहा है और गाइज रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 9.0 की इंस्टॉलेशन यहाँ पे चल रही है। और गाइज इसकी इंस्टॉलेशन जैसे ही फिनिश होती है आपको मैं दिखाता हूँ कि जब ये बूट करेगा तो आपको ग्रब स्क्रीन आएगी, जहाँ पे आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर पाएंगे। वहाँ पे लिनक्स का भी ऑप्शन रहेगा और विंडोज 10 का भी ऑप्शन रहेगा। तो बस ये खत्म होने वाला है गाइज, थोड़ा सा वेट करेंगे और रिबूट सिस्टम पे क्लिक कर देंगे। आपका कंप्यूटर रिबूट होके गाइज जैसे ही वापस आएगा आपको मैं दिखाऊंगा। दोस्तों रिबूट पे क्लिक कर देंगे और हमारा कंप्यूटर रिबूट हो रहा है और आपको यहाँ पे लिनक्स और विंडोज 10 दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करने का ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी टाइप के टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे अनुराग लैब 3M यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका अपना दोस्त अनुराग।